दिल्ली में दो दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में 20 देशों के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं। हालांकि इस सम्मेलन के बाद जो रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, उस रात्रि भोज के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत की ओर से देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रात्रि भोज के लिए पटना से प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन उनके दिल्ली प्रस्थान होने के बाद से बिहार में एक बार सियासत फिर से तेज होने की संभावना बन गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ भारत का निमंत्रण को स्वीकार किया है और दिल्ली में रात्रि भोज के आयोजन में वो शामिल होने जा रहे हैं, इसका वो स्वागत करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी रात्रि भोज में आज शामिल होंगे। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह, आइए सुनाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ भारत के आमंत्रण पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और सुश्री ममता बनर्जी और घमंडिया गठबंधन के और भी मुख्यमंत्री लोग जा रहे हैं। यह बहुत ही सद्बुद्धि का विषय हुआ कि ये लोग जो है सद्बुद्धि आया, परमात्मा ने सद्बुद्धि दिया कि ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कम से कम प्रेसिडेंट ऑफ भारत के आमंत्रण पर रात्रि भोज में सम्मिलित होने जा रहे हैं। हर बात का वो विरोध माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर, चाहे वो राष्ट्रवाद हो चाहे विकासवाद हो, यह उचित नहीं है। आप विरोध कीजिए, सत्ता के लिए आप व्याकुल होइए, लेकिन राष्ट्र का विरोध मत कीजिए। इसलिए यह स्वागत जो कदम है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत के आमंत्रण पर ये लोग रात्रि भोज में सम्मिलित होने जा रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। और घमंडिया गठबंधन अपने घमंड को छोड़ करके राष्ट्र के साथ खड़ा हो, सिर्फ परिवार के साथ नहीं रहे। तो जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने सीधे नीतीश कुमार पर हमला किया है और कहा है कि नीतीश कुमार लगातार प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत के निमंत्रण पर जब वो दिल्ली जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री का विरोध किया जा रहा था, उस पर उन्होंने कहा है कि वो विरोध करें, इसका कोई इस पर किसी की पाबंदी नहीं है, लेकिन राष्ट्र के नाम पर विरोध करना कहीं से भी सही नहीं है। अब देखना यह है कि जिस तरह से नीतीश कुमार अब रात्रि भोज में शामिल होने दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो अब इसके बाद वहां प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है या नहीं, अगर मुलाकात होती है तो उस पर एक बार फिर से क्या सियासत बिहार में होने को देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।